इंदौर में दो गुटों के बीच विवाद का मामला सामने आया है। बता दें, विवाद के बाद हुई चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई है। वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। विवाद का यह मामला इंदौर के राजेंद्र नगर इलाके का है। यहाँ रहने वाले दो गुटों के बीच बर्थडे पार्टी में हुए छोटे मोटे विवाद के बाद इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना इतना भारी पड़ गया कि दोनों गुटों के बीच खूनी संघर्ष शुरू हो गया। घटना के दौरान दोनों पक्षों के बीच हुई चाकूबाजी में जहां राजा खड़े नाम के युवक की चाकू लगने से मौत हो गई, वहीं दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सुमित उर्फ लकी का जन्मदिन वाले दिन मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था, जहां नसीब और उसके साथियों से मारपीट के बाद दोनों को एक दूसरे से समझौता करने के लिए आमने सामने आए थे। लेकिन नसीब खान और उनके भाई अजीब खान अन्य साथियों ने मिलकर दूसरे गुट राजा सुमित और अरुण और उसके अन्य साथियों पर चाकू से हमला कर दिया। फिलहाल घटना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर दोनों ही पक्षों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया है। वहीं दोनों ही पक्षों के फरार चल रहे बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सर, इनके इंस्टाग्राम से विवाद हो रहे थे। उनका कहना था कि लक्की ने उनको परसों उसके बर्थडे वाले दिन चंकट मारी थी। तो सर, वो मतलब इंस्टाग्राम पे गाली गुप्ता कर रहे थे एक दूसरे को। तो हम गणेश जी का चंदा कर रहे थे हमारी कॉलोनी में। तो राज और इनको उन्होंने बुलाया कि अपन आ जाओ, बैठ के बातचीत करके ख़त्म करते। तो लक्की का हमारे पास फ़ोन आया, तो हम वो 6 जने थे, 6 जने हम इधर से गए, तो हम वहाँ 12 जने गए। तो उन्होंने हमको बोला कि इधर आ जाओ तुम, अपन इधर बैठ के बात करते। तो हम बातचीत करते, तो लक्की को बोलता है कि तूने मेरे को चंकट मारी थी। लक्की बोलता नहीं मारी। तो बातचीत ख़त्म होती है, जैसे जाने लगते तो बोलते कि इनकी माँ की चूरी, ऐसे कैसे जाएंगे खाली। तो चंकट मारते लक्की को, चाकू वाकू निकालते। वो पहले 8 जने रहते, फिर चाकू वाकू निकालते और चाकू मारने लगते, तो सब छुपे रहते, तो 30 से 35 जने आ जाते उसे। तो सर चाकू मारते, तो दो लक्की और अपने राज खेड़े को सर पीछे के पीछे उठा के ले जाते और 3 जने को चाकू मार देते। तो जिसमें से सर लक्की को तो हम बचा पाते, लेकिन राज भाई को नहीं बचा पाते। कितने मतलब कौन कौन ने मारे चाकू, क्या नाम? उनका नाम तो नहीं सर पता, शकल से सब याद है। किस बात को लेकर इंस्टाग्राम पे ये सब कुछ चल रहा था आप लोगों का? उनका कहना का मतलब था कि मतलब उन्होंने उनकी राज और लक्की की फोटो डाली थी और उस पर लिखा था परसों तुम्हारा आखिरी दिन है, तुम दोनों मरोगे। अच्छा, किन कारणों के चलते इस तरह का विवाद हुआ? कोई लड़की या क्षेत्र में? क्षेत्र नहीं, उनका कहने का मतलब था हम रीजनल पार्क में घूम रहे थे और तूने मेरे को रोक के जबरदस्ती चंकट मारी। अब तक में ये आया है कि एक राजखेड़े नाम का व्यक्ति है, वो उसकी मृत्यु हो गई है। बाकी 6 लोग यहाँ पर अभी घायल हैं, जिनका इलाज हो रहा है। दो पक्षों का विवाद था, कुछ इंस्टाग्राम पे उन्होंने आईडी पे कोई वीडियो डाली थी जिसको लेकर विवाद हुआ था। वो क्या है वो हम ये चेक कर रहे हैं, उसकी जाँच की जा रही है। और नाम इसमें जो आ रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की, उनको भी राउंड अप करने की कार्रवाई की जा रही है। घायलों को अभी तक डॉक्टर से बात करी, उसमें तो वो कह रहे हैं कि स्टेबल है। टोटल पूरे काउंटिंग ही कितनी थी ये अभी हमको क्लियर नहीं हो पाया है। ये क्योंकि एक दूसरे को सब बस बुला के गए थे, तो वहाँ टोटल कितने लोग मौजूद थे ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। इस पर कार्रवाई चल रही है कि वहाँ देखते हैं कैमरे के फुटेज चेक करेंगे, तब उस पर और क्लियर हो जाएगा। ये ABCD मल्टी के सामने की घटना है, थाना राजेंद्र नगर।